हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस टाइम्स के अंदर, जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो में किया था कि जो न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड के ऊपर हमने न्यूमेरिकल वगैरह किए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो वेलोसिटी के बारे में है, लेकिन पिछला जो वीडियो थी उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट्स थी वो थोड़ी डिफरेंट हो गई थी आपकी। तो क्वेश्चन किस तरीके से था, वो क्वेश्चन था आपका कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, उसकी मान लीजिए उसकी स्पीड स्टार्टिंग में थी 20 मीटर पर सेकेंड, और बढ़ते बढ़ते जो स्पीड है उसकी वो हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा जो करने के अंदर जो टाइम है उसने टाइम कंज्यूम किया 10 सेकेंड का। और याद रखना जो यहाँ पे स्पीड है वो स्पीड आपकी इंक्रीज कर रही है कॉन्स्टेंट इंक्रीज, और आपको जो ना डिस्टेंस निकालना था कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो हम नॉर्मली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए फॉर्मूला है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां से देखिए आप लोग, आपके पास टाइम दिया गया है लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड आपकी फिक्स नहीं है। पहले 20 मीटर थी लेकिन बाद में वो आपकी 100 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है कि जिसके अंदर स्पीड जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, तो वहां पे जो क्वेश्चन निकालने के लिए हम यूज करते हैं एवरेज। इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 + v2 / 2। आपके पास 20 + 100 / 2 आपकी होगी 120/2, यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड। पिछले जो वीडियो थी उसके अंदर यहाँ पे जो यूनिट्स थी वो यूनिट्स आपकी गलत हो चुकी थी, वो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ। अब यहां से जो डिस्टेंस निकालना आपको, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड आपके पास दी गई है, स्पीड ना है, अब स्पीड जो है आपको ना तो ये वाली यूज करनी है और ना ही ये वाली यूज करनी है। अब स्पीड आपके पास ये आ चुकी है, तो स्पीड आपके पास 60 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम दिया गया आपका 10 सेकेंड्स। तो आपके पास हो गया अब 600 मीटर, ये सब उसके अंदर। अब टॉपिक है आपका वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या है। अब जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है ये मान सकते हैं आप दोनों बिल्कुल सेम ही चीज है, लेकिन जो वेलोसिटी है उसके और स्पीड के अंदर बस छोटा सा डिफरेंस है। जो वेलोसिटी है ये वाली आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें जो डायरेक्शन साथ में ऐड मिलेगी आपको, और जो स्पीड था उसके अंदर आपको ओनली मैग्नीट्यूड ही मिलता है। तो जो वेलोसिटी है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस, और यू कैन सी दैट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। क्या The velocity of a body is the distance या फिर displacement traveled by a body पर यूनिट
टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ऑफ ए बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। कि कितना उसने समय जो है वो उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए कितना समय लिया है। यहां से v इक्वल्स टू जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है s मान लेते उसको, और टाइम आपके पास t, ये इसका फॉर्मूला। और यहां से अगर निकालना चाहें जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो यूनिट होगी मीटर टाइम की सेकंड, तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब एक नोट है, नोट लिख लीजिए आप। कि नोट क्या है कि डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। मैंने पहले बताया था आपको कि जो स्पीड है, जो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या है जे स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो है एज ए वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही है। अब जो वेलोसिटी है वो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कितनी है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट वन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और सेकंड वन है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जो फर्स्ट वन वाली आ गई वही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जो डिस्टेंस है वो कवर अप कर रहा है एज ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, के सेम कवर सेम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन सेम या फिर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। और जो नॉन यूनिफॉर्म है इसके अंदर कवर अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड, हाउ कैन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड। कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप लोग किसी भी वस्तु की जो वेलोसिटी है उसको आप लोग घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला इसका जो तरीका है बाय चेंजिंग, फर्स्ट वन दिया गया आपका बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ ए बॉडी। के हम किसी भी वस्तु की जो स्पीड है
उसको चेंज कर दीजिए आप लोग, तो वेलोसिटी बिल्कुल आपकी चेंज हो जाएगी। अब इसके अंदर ऊपर सेकंड दिया गया है बाय। अब इसमें देखिए जो स्पीड है आपकी, स्पीड को कॉन्स्टेंट रखो आप लोग बाय कीपिंग द स्पीड कॉन्स्टेंट बट बाय चेंजिंग बट चेंज द डायरेक्शन बट चेंज द डायरेक्शन। अब यहां से देखिए जो उसकी स्पीड है, स्पीड है तो ठीक बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए आप लोग, चेंज करोगे तो उसकी जो वेलोसिटी है बिल्कुल आपकी चेंज हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको दिया गया एक नॉट, उस नॉट में क्या कहा गया है कि जो स्पीड है आपकी, स्पीड ऑफ ए बॉडी, इसको उतार लीजिए आप लोग, उतारे सभी ने, तो क्या क्या इसके अंदर द एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। स्पीड क्यों भी जीरो नहीं होगी भाई, हाँ लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो, जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो हो सकती है, हो सकता है जो वेलोसिटी के अंदर आपकी इनिशियल है वो जीरो हो या फाइनल, तब जीरो हो जाए, तो जो वेलोसिटी वो जीरो हो सकती है, लेकिन जो स्पीड होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी आपकी। अब यहां से देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि क्या एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर, कि कोई भी गाड़ी है वो चली दिल्ली से अंबाला के लिए, और जो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी है वो आपके दी गई है 200 किलोमीटर, और इस दूरी को कवर करने के लिए जो समय दिया गया आपको, समय लगा 5 घंटे, तो बताया गया है आपको, तो आपको निकालना क्या है इसके अंदर, फर्स्ट वन इट्स स्पीड, कि जो पूरी यात्रा थी इस यात्रा के दौरान उसकी जो स्पीड है वो कितनी रही आपकी, तो स्पीड कैसे निकालते हैं आप लोग, स्पीड निकालिए कैसे निकालेंगे स्पीड आप लोग, फर्स्ट वन के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दिया गया आपको 200 किलोमीटर, टाइम दिया गया आपके पास 5 घंटे, तो आपकी जो स्पीड होगी वो होगी 40 किलोमीटर पर हावर, 40 किलोमीटर पर हावर। जो सेकंड दिया गया आपको बताया गया वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम दिस जर्नी, कि जो गाड़ी थी उस गाड़ी की जो पूरी यात्रा के दौरान जो वेलोसिटी है वो कितनी रही, मैंने पहले बताया था आपको कि जो स्पीड है और वेलोसिटी के अंदर केवल डिफरेंस इतना ही है, जो स्पीड होगी वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, और जो वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा यहां पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ट्रेवल्ड इन नॉर्थ डायरेक्शन, उसने ही दिया है। अब यहां से देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, जो गाड़ी जो चली वो दिल्ली से लेके अंबाला तक पहुंची है, अब देखो स्टार्ट कहां से हुई, दिल्ली से लेके पहुंच गई वो अंबाला की तरफ, जो बीच की जो दूरी थी वो आ गई आपकी 200 किलोमीटर, टाइम वही लगा आपको 5 घंटे,
40 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, ये इसका आंसर होगा भाई। देखिए इसको ध्यान से उतारिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।